अस्सलाम वालेकुम भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि गेमिंग मोबाइल कौन सा है और गेमिंग मोबाइल कौन सा नहीं है। सबसे पहले आपने जाना है व्हाट मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है। इधर मैं सारे मोबाइल का टेस्ट करके आपको बताऊंगा गेमिंग मोबाइल कौन सा और गेमिंग मोबाइल कौन सा नहीं है। ओके, मोबाइल ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। चलो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल में आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेने व्हाट मोबाइल, ठीक है। इस पर क्लिक करना। फ़र्ज़ करें मैं मोबाइल ले रहा हूँ वीवो V17, ठीक है। नहीं है एक वीवो V17, ये देखें ये आ गया। फ़र्ज़ करें मैं ये मोबाइल ले रहा हूँ, आपने ये नहीं चेक करनी कितने GB रैम है और कितने GB मेमोरी है। नहीं नहीं, आपको ऐसी मेन बात बताऊंगा, आप वो चेक करना, ठीक है। ये देखें इसको ओपन करना। सबसे पहले आपने देखना स्नैपड्रैगन कितना है, स्नैपड्रैगन, ठीक है। प्रोसेसर ये चिपसेट ये देखो 675 है इसका, ठीक है। ये बिल्कुल ही थोड़ा है, ये गेमिंग मोबाइल नहीं है। अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहो तो आराम से ही कर सकते हो, गेमिंग के लिए ये मोबाइल सही नहीं है, ठीक है। अगर आप गेमिंग मोबाइल लेना चाहते हो तो 712 चिपसेट वाला लो मोबाइल। और ये डिस्प्ले देखो, एमुलेटर डिस्प्ले तो अच्छा है इसका, 1080 4K गाना सपोर्ट करता है, चल जाएगा इस पर, ठीक है। बैटरी भी इसकी इतनी है गाइस, बस यही बात थी। सबसे पहले आपने चिप सेट इसका चेक करना है कितना है। 675 इसका बिल्कुल थोड़ा है, ये गेमिंग मोबाइल नहीं है। अगर आप सिंपल कॉल के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं या पिक्स बनाने के लिए ये फ़ोन बेस्ट है। अगर गेमिंग के लिए आप कह रहे हो ये मोबाइल ले रहे हो तो नो, कभी ना खरीदें ये मोबाइल गेमिंग के लिए, ठीक है। ये आप अपनी ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, जो नया मोबाइल आएगा आपको इधर नज़र आ जाएगा लेटेस्ट मोबाइल, ठीक है। ये गाइस ये देखें, अब ये मोबाइल आ रहा है सैमसंग का, 1,38,500, ठीक है। ये देख, ये देखें, ये ब्रांड है, इसके कैमरा का रिज़ल्ट इतना ही होता है, मतलब बताते थोड़ा है रिज़ल्ट सही होता है, इसका ब्रांड है। इसका चिपसेट चेक कर लेते कितना है, चिपसेट इसका देखो, इसका तो कोई खाता में ही नहीं है। ये गेमिंग मोबाइल है, ये गेमिंग मोबाइल है भाई, ये गेमिंग मोबाइल है। साइज भी सही है, 4K गाना सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास है, ये भी ठीक है। बैटरी 4500, ये मोबाइल सही है, आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये मोबाइल बेस्ट है, सबसे बेस्ट मोबाइल आया, न्यू आया है मार्केट में। ये देखो वीवो V23e, ये मोबाइल अच्छा है, आप ख़रीद सकते हैं। इसकी चिपसेट चेक कर लेते हैं कितनी है, CPU चिपसेट इसका, हेलो जी, ये भी गेमिंग मोबाइल है भाई, गेमिंग मोबाइल है, ये भी ख़रीद सकते हो आप, अच्छा मोबाइल है, गेमिंग है, ख़रीद सकते हो आप इसको, ये अच्छा मोबाइल है। और देखते हैं बस, ठीक है। आपको जो सी कंपनी का मोबाइल चाहिए उधर सर्च करोगे आपको मोबाइल मिल जाएंगे उस कंपनी के, ये सिर्फ जस्ट सैमसंग के ही आएंगे। उसके बाद वीवो पर क्लिक करोगे वीवो के मोबाइल आएंगे, ठीक है, वीवो के ही मोबाइल आएंगे। अगर आप ओप्पो पर क्लिक करते हो तो ओप्पो के मोबाइल आएंगे, ये देखें सारे ओप्पो को ही मोबाइल आएंगे। उसके बाद इन्फिनिक्स हो गया, इन्फिनिक्स तो आप भूल के भी ना लेना भाई, 6GB रैम बताते हैं पर होती नहीं है इनकी, ठीक है। और ये जितनी मर्ज़ी रैम रख दें पर ये मोबाइल ठीक नहीं है, ये हैंग होता है। उसके बाद रियलमी भी कभी ना लो भूल के, रियलमी मोबाइल ठीक नहीं है, ठीक है। ये देखें जस्ट रियलमी के मोबाइल आएंगे सारे, ये नोकिया
ये नोकिया के मोबाइल हैं, जस्ट नोकिया के ही आएंगे। शोमी ये कंपनी के मोबाइल अच्छे हैं, आप ये ख़रीद सकते हैं। ये गेमिंग मोबाइल है, आप ये ख़रीद सकते हैं। इसकी चेक कर लेते हैं चिपसेट, ये देखें गेमिंग मोबाइल है स्नैपड्रैगन, इसका चेक कर लें 888 5G, ये गेमिंग मोबाइल आप ये ख़रीद सकते हैं। ये देखें ये वैसे भी इनके मोबाइल अच्छे हैं सारे ही शोमी के। उसके बाद टेक्नो है, टेक्नो की प्राइस थोड़ी है, पर मोबाइल मैंने ये कभी चलाया नहीं है, बट ये सही नहीं है। टेक्नो भी कंपनी ठीक नहीं है। हवावे हाँ कंपनी ठीक है, इसके मोबाइल भी ठीक होते हैं, पर एक बात इसकी ख़राब है इस मोबाइलों की, इनकी बैटरी टाइमिंग नहीं होती। बैटरी आप चेक कर लें, जितना महंगा मोबाइल होगा उतनी ही बैटरी कम होगी। जितना मर्ज़ी महंगा आप मोबाइल ले लें हवावे का, बैटरी आपको कम ही मिलेगी। फ़र्ज़ करें हम ये 32,000 वालों को ओपन कर लेते हैं, इसकी बैटरी चेक करते हैं। चिप सेट बैटरी बैटरी 4,000, चार्जिंग देखो 10 वाट का स्लो चार्जिंग है। ये हवा पे हो गई क्यों मोबाइल, अब भाई इसका तो नाम ही ख़त्म हो गया क्यों मोबाइल का। अब तो नए नए मोबाइल इतने आ गए, क्यों मोबाइल का नाम ही ख़त्म हो गया। वन प्लस ये भी नोकिया में गिना जाता है। सोनी ये तो भाई फिर ब्रांड है, सोनी के मोबाइल तो ब्रांड है, ब्रांड मोबाइल है ब्रांड। ओनर ये भी हवावे की कंपनी है ओनर, ठीक है ये हवावे की कंपनी है, बोल ना जाना हवावे के साथ अटैच है इनका। HTC वही, इधर आपको सब मोबाइल मिल जाएंगे, जो मोबाइल सर्च कर लो आपको वही मोबाइल आ जाएगा आगे। उसके बाद है ये डिलीट कर लो, ये LG मोबाइल, ये भी क्यों मोबाइल के साथ ही LG एक ही कंपनी है। मोबली वाह भाई जैज़ के मोबाइल भी आ गए, हाँ चेक करो। मोटोरोला ये मोबाइल अच्छे हैं, पर इनकी बैटरी टाइमिंग नहीं होती। लिनोवो 2GB रैम में है, अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो आप ये ख़रीद सकते हैं। ब्लैकबेरी हर कंपनी के मोबाइल इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आपको एंड में बता दूंगा ये एप्लीकेशन आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। ठीक है कॉल में इनके मोबाइल अच्छे हैं, मैंने ये यूज़ किए हैं मोबाइल, ये मोबाइल अच्छे हैं कॉल में के। उसके बाद जी राइट ठीक है। उसके बाद रिवो मोबाइल, ये भी क्यों मोबाइल के साथ है कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट नोकिया वॉइस, बस यही कंपनी है सर, जो चाहे दिल करे आप वही खोल के बैठ जाओ, अपना मोबाइल सर्च कर लो। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से करने बताता हूँ, आपने जाना प्ले स्टोर में इधर आपने सर्च करना है WHAT वट MOBILE वट मोबाइल, ठीक है ये है। नहीं आ रहा सॉरी WHAT वट, ये वट मोबाइल सर्च करोगे आप, ये देखो ये आ गया मेरी अपडेट होने वाली एप्लीकेशन, मैंने की नहीं, चलो कर देता हूँ ठीक है। वट मोबाइल आपने डाउनलोड कर ली ओके, और अगर कोई बात समझ ना आ रही हो तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मुझे। ओके अल्लाह हाफिज़ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना।